अब हमको एक और गाड़ी की नीड पड़ चुकी है। इतनी जगह नहीं है कि मैं नई भी जोन सी भी लूं वो खड़ी कर पाऊं, पर मेरे को एक और घर लेना है बढ़िया जगह पे, बड़ा घर। अबे ऐसे कौन चलाता है गाड़ी लेने के लिए 800 रुपए खर्च के आई हूँ। अच्छा हाँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज कीर्ति मेहरा एंड यू आर वाचिंग ऑब्वियसली कीर्ति मेहरा विद अनदर वीडियो। मैं जा रही हूं गुड़गांव, थोड़ी शाम हो चुकी है, ऑल्दो मेरे को जल्दी जाना था पर कुछ रीजंस की वजह से मैं लेट हो चुकी हूँ। और सबसे बड़ी बात जो है, आज मैं बिल्कुल ये सवारी बन के जा रही हूँ, ये भी नहीं कि ड्राइवर बन के जा रही हूँ या पैसेंजर प्रिंसेस बन के जा रही हूँ, नो, आज मैं प्रॉपर सवारी बन के जा रही हूँ। क्योंकि मेरा भाई जो है वो मेरे से बिना पूछे 2-3 दिन से गाड़ी घुमा रहा है यहाँ से वहाँ, कभी दिवाली पार्टी में, कभी कहीं कभी कहीं, और वो चुपचाप गाड़ी उठा के ले गया। मेरी भी थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैंने बोला चल कोई नहीं ले जा, पर ये ज्यादा हो गया। अब मैं जा रही हूँ उसके ऑफिस, बताती हूँ। कैमरा ओए, फ्रंट कैमरा कर लेती हूँ, ओए फ्रंट कैमरा कर लेती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ उसके ऑफिस, क्योंकि ये ऐसे तो नहीं मानने वाला, मेरे सारे काम इसने अटका दिए हैं। और मेरे को लग रहा है कि अब हमको एक और गाड़ी की नीड पड़ चुकी है, अब एक और गाड़ी की नीड तो पूरी कर लेंगे, पर जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ उस सोसाइटी में इतनी जगह नहीं है कि मैं नई गाड़ी अगर जोन सी भी लूँ वो खड़ी कर पाऊँ। तो उसके लिए दूसरी नीड क्या पूरी करनी होगी, मेरे को जो अपना घर शिफ्ट करना है वो करना पड़ेगा। तो अभी उसके लिए भी बातचीत चल रही है, तो मैं अभी कन्फ्यूज हूँ कि पहले मैं गाड़ी का काम करूँ या घर का काम करूँ। अब गाड़ी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गाड़ी अगर घर में एक हो तो बहुत होता है, पर घर जो है मेरे को, मतलब ये भी घर अपना ही है पर मेरे को एक और घर लेना है बढ़िया जगह पे, बड़ा घर। तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ, पहले मैं कैब का वेट कर लूँ, कैब में बैठ के बात करते हैं थोड़ी सी। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ अपने भाई के ऑफिस, और मैं जो कैब में सोती हुई आई हूँ ना, मतलब इसका कोई हिसाब ही नहीं। वैसे तो इसके ऑफिस वाले सारे मुझे जानते हैं, कहाँ है इसका नंबर, ये अच्छा लग रहा है इसको मेरे को ऐसे घुमाते। सो जैसे कि मैं इसके ऑफिस के नीचे आ चुकी हूँ, और अब मैं इससे पूछती हूँ, पहले तो हुडी मेरी मेरी गाड़ी 2-3 दिन से कहाँ लेके घूम रहा है, यहीं खड़ी थी। देखा गंदी क्यों कर दी तूने हुडी, मैं सबको बताती आई हूँ कि ये मेरी 2 दिन से गाड़ी लेके भाग रहा है और सारे काम खराब हो चुके हैं। अब यहाँ तो नई गाड़ी आएगी या फिर उस गाड़ी को रखने के लिए नया घर आएगा, क्या आएगा पहले, कहाँ भाग रहा है, कहाँ खड़ी है, तूने खड़ी करी थी, नशे में खड़ी करी थी, खुद खड़ी हुई थी, खुद खड़ी हुई थी, बिल्कुल भी होश में नहीं है ये आदमी। मम्मा मैं आपको बता दूं, रात को दारू पी है मम्मी, वीडियो कॉल पे थी पूरी रात, पूरी रात वीडियो कॉल पे थी मम्मी, फिर ये कैसी पार्टी करके आया तू। और मैंने सुना कि तू किसी लड़की के साथ था, किसी, हाँ सारे बॉयज थे अपने साथ, सारे बॉयज, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, सारे बॉयज, किसी ने तेरे को कल रात को फोन किया था काम से और तू था कहीं इधर ट्यूलिप चौक, बोलना थोड़ी है ठीक है भैया, फंस गए बामन की लड़की के चक्कर में। ओए ओए ओए, आगे तो डलेगा। और तू था लड़की, किसी लड़की के ऑफिस के लोग थे, एक लड़की बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, अगर मैंने वीडियो दिखा दी बहुत सारे लोग थे, बॉयज भी थे, बॉयज भी थे पर लड़की भी थी, लड़कियां, तू अकेला था, पागल है, लेने गया था, नहीं यूनिक वही था। गाइस मेरा भाई मेरे हाथ से निकल चुका है, तो पकड़, तू निकल गई हाथ से, मैं निकल गई हूँ, मैं तो पकड़ में ही नहीं आई थी कभी। गाड़ी लेके घूम क्यों रहा है, खोल इसको देख, शूट नहीं दिख रही है, बैग लेके घूम रही हूँ मनीष की वीडियो का, क्यों है शूट, अबे कोई शूट नहीं, खोल इसको, दो नहीं हुई, यहाँ दूसरा पार्ट है ना, बस की तो ये डालियो अब, हाँ डाल दूंगी, हाँ। बस ये क्या कर रखा है, ये यहाँ पे कपड़े क्यों उतारे तूने, अबे भाई सुबह ऑफिस आऊंगा, ये इसकी हरकतें देख लो गाइस, 2 दिन आऊंगा कुर्ते पजामे में, और क्या है गाड़ी में अभी पता लगाती हूँ सब कुछ, कुछ नहीं है, साइड साइड अभी देखती हूँ, मम्मा देखते रहना व्लॉग, ऐसे स्किप मत करना गाइस, बिल्कुल भी स्किप ना हो जाए, पानी की बोतलें हैं ये, अच्छा बिस्किट ये भी मैंने रखे, परफ्यूम यूज हुई है, ये है वो, क्या ऑफिस आऊंगा तो बिना परफ्यूम के आ जाऊंगा।
बच गया बेटे कुछ होगा तभी तो बचूंगा गाइस एक सेकंड ये कूड़ा हटा रहा हूँ मेल्टार्ड हो रही है घर पे प्रमोशन ले ये टिश्यू पेपर है हटा सफाई तो बड़ी सही करी है तूने कोई कोई सुराग की छोड़ा तूने गाड़ी की चाबी फेंक दी गाइस अब ये आज बच गया मैंने सोचा रंगे हाथ पकड़ लूंगी इसको पर अब हमें समझ आ गया कि गाड़ी की जरूरत है क्या ना कर गाड़ी इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि गाड़ी के लिए पहले मेरे को गाड़ी तो है ना हमारे पास घर चाहिए नया चल बाय यार अपन तो चले अपने को जाना है आशना से मिलने अभी प्रिया से मिलने मनीष से मिलने वेला टाइम पास करने जाना है और कुछ नहीं बाय यार रुक जाना मेरे को मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दे थोड़ी देर बाद बाय मैं जा रही गाइस इरिटेटिंग बोल दिया है तुम्हारी दीदी को फोन का कवर देख जा मेरे को मेरे पहले मेरा वापस करना फिर तेरा घर पे ही है तो फिर मैं क्यों दूं वापस मेरे हाथ से फोन वोन छूट जाएगा कल शूट में तो क्या होगा क्या कर रहा है अबे ऐसे कौन चलाता है कमर सीधी तो करके चलाओ कम से कम आ गयो ऐसे चलाओ ऐसे भी नहीं मैं वो आंटी थोड़ी चलो गाइस चले हो गया आज इसका चल जा बाय एक गाड़ी लेने के लिए 800 रुपए खर्च के आई हूँ अच्छा हाँ अच्छा और जो मैं यहाँ पे ऐसी तैसी कराता हूँ अपने टूटे पैर में वो नहीं दिखता हम क्या मांगे पूरे करो हम क्या मांगे पूरे करो चल जाना बंद कर फिर मेट्रो में जाना पड़ेगा घर यार कैब के पैसे दीजिएगा हाँ ले पकड़ दे रखे वैसे तो बहुत पैसे तेरे को अच्छा इतना मारूंगा ना एक रुपए का पर वो तो इसने व्लॉग चालू होते होते बोल दिया है तो मैं दे रही हूँ इसको एक रुपए का हिसाब नहीं बचा हुआ अपना एक रुपए का हिसाब नहीं बचा हुआ हमारा एक रुपए का सिंगल का क्योंकि सीधा 10,000 का बचा वो खत्म हो चुका है कितनी बारी दूं तूने नहीं दिए दे चुका हूं एक उधारी के थे और एक उसके थे किसके कोट पैंट वेंट के इतना खर्चा था चल जा यहाँ बेटे सारा हिसाब क्लियर है अपना बोल मत जाइयो लाइट देखनी पड़ेगी अब निकलूँ कहाँ से आशना के ना 100K हुए थे और मैंने उसके लिए केक भी कटवाया था तो मैंने ले लिया भैया इसको बैग में दे दो हुए थे और मैंने ना केक नहीं कटवाया और मेरे साथ ना ऐसे थोड़ी दिक्कत है पहले मैं ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव थी या मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करती थी पर मैं अब वो चीज़ें करना छोड़ चुकी हूँ भूल चुकी हूँ और आशना का भी नेचर थोड़ा ऐसा है कि वो छोटी छोटी चीज़ें करती है वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करती पर वो बिना बोले कुछ चीज़ें ऐसे कर देती है जो आपको स्पेशल फील करवाएंगी और मैं उस चीज़ में बहुत प्रो थी स्पेशल फील कराने में बट मैं ऐसे हो गई डामाडोल पर अब मेरे को समझ आ गया छोटी छोटी चीज़ें करते रहनी चाहिए उनके लिए खासकर जो आपके लिए कुछ कुछ चीज़ें कर देते हैं तो मैंने सोचा कि अब उसके 100K हुए हैं और मैंने नहीं देखा कि अभी तक किसी ने भी उसका केक कटवाया है तो मैं आज जाके आशना का केक कटवाऊंगी पहले तो 100K का आशना का नहीं सॉरी 15S का सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आशना एंड हर बेबी 15S वैसे तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि आशना बहुत ही ऐसे हल्का रिएक्शन देने वाली है बट अच्छा दे दिया तो बहुत अच्छी बात है मतलब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे को इसका केक कटवा के फिर अभी प्रिया के पास भी जाना है गुड़गांव में आते ही ऐसे सबके गेट ऐसे खुल जाते हैं ना आ जाओ हमें कहाँ जाए ज़्यादा भाव खा दी ऐसे झटका है जिस हिसाब से मैं भाव खा रही हूँ मुझे लगता है मेरे सारे दोस्त मुझे डिसोन करने वाले कुछ दिन में एक से भी हैप्पी 100K यहीं पे रिएक्शन दे दे घर नहीं दिखा रही तेरा आशना यार कपड़ों का काम करती है गाइस प्रॉपर उसका बिजनेस है तो घर में कपड़े बिखरे रहेंगे ना आशना एक्सेप्टेड नहीं दूर है बिल्कुल दूर है तो अब ये तू देख आशना का 100K बेबी का केक काटने जा रहे हैं हम 15S का कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस अच्छी लगी ब्लर हो गई एक तो पता ही और तो बहुत ही सॉफ्ट केक है और मजा चुके अपने दूसरे अड्डे पे सामने से पीछे से तो दिखी नहीं रही है अब दिखा
सब पैसे पकड़ा जाते हैं गाइस। तो अभी अभी प्रिया के यहाँ पे जा रही हूँ, फिर मैं वापस ही शूट पे जाऊंगी। और बारिश की वजह से when she came to pick me up। अच्छा, तो तुम क्यों बोल रही हो? Sorry, when I came to pick her up। चलो 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 चलो, आज हम आशना को कर दिए कि आशना और मेरे पास दोनों के पास दो दो नंबर हो चुके हैं और हमें पता ही नहीं होता। आई हो 10 मिनट हो गए, मैं तब से देख रही थी। मेरे को भी 10 मिनट हो गए, ज्यादा ही। यार ये कीर्ति ऐसे थोड़ी खड़ी होगी, कॉल नहीं करेगी। मैंने कॉल करी, मैंने भी यही सोचा कि आशना भी ऐसे तो नहीं खड़ी होगी कि फोन न किया, बोलती के पागल बना रही। मैंने इस नंबर पे भी किया था, बिजी आ रहा था शायद। तो गाइस मैं आशना को जा रही हूँ आज आशना को रात को घुमाने, क्योंकि आशना का बहुत मन था कि हम रात को घूमें और साथ में कौन से गाने सुने। हाँ, ये एनर्जी लेके आई, रात को डेड रहती है ये, डेड। टेलर के लिए तो चलेगा, टेलर के कीर्ति के, यार सॉरी सलीना के लिए। और लाइट बंद है क्या गाड़ी की? और लाइट तो दिखी नहीं रही, कुछ कुछ ही नहीं दिख रही लाइट यार, केबल तो है। तो हम जा रहे हैं कोल्ड कॉफी पीने या कुछ भी करने, बस लॉन्ग ड्राइव पे। सो लेट्स गो। हॉट कॉफी पिएगी क्या खाएंगे? मैगी खाएं पहले से? मेरे को एक जगह पता है, ये गुड़गांव में नहीं रहती, इसको सब पता। तो आशना को मैगी खिलाऊंगी, खा लेगी बता। चल तो चाय, मैगी और चाय। सीट है ये देख, पीछे लगी हुई है। तो लेट्स गो गाइस, पहला खाना कीर्ति के लिए। हाँ दे देना, बिट्टी दे मेरे को, दे फटाफट दे। ये गाना चला है वन एंड ओनली, चला चला। Look what you made me do, look what you made me do. Guys, क्या मोमोज है यहाँ पे। हुडा सिटी के पास एक मार्केट, मतलब हुडा सिटी के पास एक छोटे से स्टॉल वगैरह लगते हैं मैगी और मोमोज के, और चाय भी नेक्स्ट लेवल। मजे आ रहे हैं हमको तो। डाइट गई ऐसी तैसी कराने। कितने दिनों बाद खाए मैंने ऐसे रेडी वाले।